तो हेलो गेमर, वेलकम टू न्यू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइज आज हम खेल रहे हैं सबनॉटिका, एंड इस सबनॉटिका में कैसे सर्वाइव करना है इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स प्ले। तो यहाँ पर सर्वाइव सिंपली सिलेक्ट करेंगे। तो गाइस यहाँ पर आग लग चुकी है और यहाँ पर सिस्टम भी खराब हो चुकी है। आग को बुझानी होगी एंड ये रहा फायर ब्रिगेड। तो यहाँ पर फायर बुझ चुकी है एंड हमारा जो सिस्टम है वो बूट हो रहा है, बूटिंग इन इमरजेंसी मोड। Вы получили легкую травму головы. Это можно считать оптимальным исходом. Данный КПК был перезагружен. तो गाइस आप सभी को बता दूं सबनॉटिका के बारे में। सबनॉटिका गेम में आप एक दूसरे प्लेनेट में आ गए हो एंड ये जो प्लेनेट में आपको सर्वाइव करनी होगी एंड ये है हमारा शिप। तो यहाँ पर गाइस यहाँ पर हमारा जो पॉड है ये इसमें लाइट वगैरह आप नहीं देख सकते हो और सिस्टम भी यहाँ पर ख़राब दिखा रहा है। तो पहले हमें इस जो पॉड है इसे रिपेयर करनी होगी। तो रिपेयर करने के लिए पर सिंपली ये फैब्रिकेटर इसे ओपन कर लेना है, उसके बाद टूल में और यहाँ पर रिपेयर टूल आपको पहले बना लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर डैमेज सेकेंडरी सिस्टम और ये जो रेडियो है ये इसे भी रिपेयर करनी होगी। तो यहाँ पर हमारा जो रिपेयर टूल की रेसिपी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर सिलिकॉन रबर और केप सल्फर एंड टाइटेनियम लगेगा। तो यहाँ पर सिंपली इस पॉट से हम बाहर जाएंगे और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो हमारा ओशन एंड जितने भी सारे सामान है वो सारे इस ओशन में ही आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये है हमारा इन्वेंट्री एंड इससे आप बहुत सारी चीज़ आप देख सकते हो। ब्लू प्रिंट यहाँ पर आप कोई सा भी चीज़ की जो बनने की रेसिपी है वो आप देख सकते हो। तो हमें रिपेयर टूल बनानी होगी पहले। तो यहाँ पर सिलिकॉन रैब्रिक ओके और केप सल्फर। तो सिलिकॉन रैब्रिक के लिए और ये जो आप केल्प देख रहे हो इन केल्प में थोड़ी सी येलो कलर की ग्लो हो रही है आप देख सकते हो। इन सभी से बनेगा सिलिकॉन फैब्रिक और इन सभी को कलेक्ट कर लूँगा। ओके तो ज़्यादा मत कलेक्ट करना क्योंकि इससे आपकी इन्वेंट्री फुल हो सकती है बहुत सारी। यहाँ पर 21 साइड में आप देख सकते हो ऑक्सीजन की लेवल एंड हार्ट लेवल, उसके बाद वाटर एंड खाने की जो लेवल है वो आप देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर क्रेविन सीड हमारा कलेक्ट हो गया है, इनसे ही सिलिकॉन फैब्रिक बनेगा। उसके बाद यहाँ पर केप सल्फर हमें चाहिए, तो केप सल्फर के लिए यहाँ पर केप में जाना होगा। तो यहाँ पर आसपास कहीं पर भी केप ढूंढ लेता हूँ पहले। एंड गाइस वाटर में जब आप जाओगे तो यहाँ पर साइड में ऑक्सीजन की लेवल चेक करते रहना। तो यहाँ पर एक हमें केप मिल चुकी है। ओके तो गाइस यहाँ पर जो ये देख सकते हो ये जो बंदा आ गया, तो यहाँ पर हमारा जो चाहिए था क्या था, ओके केप सल्फर। तो यहाँ पर केप सल्फर आसपास ही है। तो ओके गाइस देख सकते हो और जो अभी मॉन्स्टर निकला था वो इसी से निकला था और यहाँ से केप सल्फर हमें मिल गया। उसके बाद चाहिए टाइटेनियम, तो टाइटेनियम को आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये है मेटल सेवेज। तो इस मेटल सेवेज से 4 टाइटेनियम को मिल जाएगा और नहीं तो ये जो ब्रेक लाइमस्टोन इससे भी आपको मिल जाएगा। तो गाइस फाइनली केप सल्फर एंड हमारे पास देख सकते हो टाइटेनियम मतलब मेटल सेवेज आ गया है। इन सभी चीज़ को कलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आना और यहाँ फैब्रिकेटर में आना। उसके बाद जो मेटल सेवेज हमने कलेक्ट की थी उसे टाइटेनियम में कन्वर्ट कर लेना। टाइटेनियम में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर सिलिकॉन रबर जो कहते हैं प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो ओके। उसके बाद ओके फाइनली हमारा रिपेयर टूल बन गया मतलब बन रहा है। तो ओके तो यहाँ पर रिपेयर टूल बनने के बाद यहाँ पर ये जो इस बोट को
पहले रिपेयर कर लेना, जिससे हमारा लाइन आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो रेडियो है इसे भी रिपेयर कर लेना, क्योंकि रेडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको डेटा वगैरह भेजती रहेगी। और यह है हमारा मेडिकेट, जिससे हमारा जो हील वगैरह कर सकेंगे। ओके गाइस, यहाँ पर सबनॉटिका में कुछ अलग टाइप की वर्ड मतलब वॉइस आप सुन रहे होंगे, ये मुझे नहीं पता, गलती से कोई और ही लैंग्वेज का सबनॉटिका डाउनलोड हो गया है। एंड ये जो हीलिंग पैड है वो थोड़ी टाइम के बाद बाद आपकी मेडिकेट देता रहेगा। तो गाइस, यहाँ पर सिंपली रिपेयर टूल के बनने के बाद यहाँ पर सर्वाइव नाइफ इसे चाहिए होगा। तो सर्वाइव नाइफ के लिए सिलिकन रैब्रिक, तो सिलिकन रैब्रिक फिर से हम एक बना लेते हैं। एंड उसके बाद टूल में आएंगे और यहाँ पर देख सकते हो सिलिकन रैब्रिक मिल गया। तो गाइस, उसके बाद सेकेंड जो टूल है वो है स्कैनर। तो स्कैनर से बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको चाहिए होगा एंड मतलब मिलेगा, और वो है इसे बनाने के लिए आपको लगेगा बैटरी। तो यहाँ पर बैटरी बनने के लिए सिंपली ओके, यहाँ पर मशरूम एंड कॉपर और। तो गाइस, ये है पिक क्विज, इससे भी बहुत सारा काम होता है, कलेक्ट कर लेना मिल जाए तो। और कहाँ गया यार, ओके ओके ये रहा, इसे कॉपर और टाइटेनियम मिल रहा है सिर्फ। तो गाइस फाइनली फिर से एक जो लिथियम स्टोन मिल गया, एंड इससे भी कॉपर हमें मिल चुका है। कॉपर मिलने के बाद यहाँ पर मशरूम होगा, ये रहा, ये थोड़ी बहुत कलेक्ट कर लेना, एंड मेरी ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है। एंड हमारा जो फूड वाला सेक्शन है वो अब ब्लिंक कर रहा है, क्योंकि फूड 10% में आ चुका है। एंड जो मैंने मछली वगैरह पकड़ी थी वो अभी भी है, इसे कुक मत करना मछली वगैरह पकड़ने के बाद। नॉर्मली वो जो डीप सैंड सोल है, सोल सैंड या क्या कहते हैं, उसे कुक करना तो बहुत टाइम तक चलेगा। तो यहाँ पर फैब्रिकेटर में आते हैं। ओके, हमें बनाना क्या था, तो हमें स्कैनर, जो स्कैनर है उसे बनाना था। तो इसके लिए बैटरी, ठीक है ओके। तो गाइस, बैटरी बनाने के लिए फैब्रिकेटर में आना, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक, और यहाँ पर बैटरी बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर टूल में आना, कहाँ गया, ओके ये रहा, हमारा स्कैनर बन गया। स्कैनर का काम आपको दिखाता हूँ। एंड हमारा जो रेडियो है इसे, इसका मैसेज आप पढ़ लेना, क्योंकि अलग अलग लोकेशन दिखाता है। एंड जिस लोकेशन में जाने के बाद आपको बहुत सारा का जो सामान है वो अनलॉक होगा। तो यहाँ पर स्कैनर, ओके ये रहा, तो सिंपली इसे ओशन में चले जाना है। एंड जो कोई भी आपको स्कैन करने के लिए दिखाए साइड में, ये देख सकते हो, इसे स्कैन कर लेना। स्कैन करने के बाद आपका जो डेटा है वो डेटा कलेक्ट हो जाएगा, एंड इस चीज़ से क्या क्या बन सकता है वो आपको आसानी से दिखा देगा। ओके, इसे भी स्कैन कर लेता हूँ। एंड हमारा जो फूड वाला सेक्शन है वो ब्लिंक कर रहा है, तो थोड़ी बहुत कुछ खा लेते हैं। ओके, हमारा फिश कुक हो गया, इसे खा लेते हैं। ओके, थोड़ी देर के लिए हमारा जो पेट भर गया। तो गाइस, आप सबको बता दूं, यहाँ पर जब आप ओशन में कोई भी चीज़ स्कैन या कलेक्ट करने जाते हो तो आपकी जो ऑक्सीजन की लेवल है वो बहुत ही कम है, जिससे आपको बार बार ओशन के ऊपर आना पड़ता है। तो इसकी एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है, जिसके बाद आपकी जो ऑक्सीजन की लेवल थोड़ी सी बढ़ सकता है, वो है यहाँ पर सेटिंग में आना, वो है ऑक्सीजन टैंक। यहाँ पर इक्विपमेंट में पर्सनल एंड इक्विपमेंट, उसके बाद यहाँ पर टैंक। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो ये जो 75 हो गया है, इसे यहाँ से हटा दोगे तो यहाँ पर 4-5% हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर हाई कैपेसिटी टैंक भी आ गया है, एंड हाई कैपेसिटी टैंक के लिए बहुत सारी चीज़ आपको लगेगा। एंड इस वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो इस वीडियो आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर देना, एंड इसकी वीडियो कंटिन्यू करूँ तो एक कॉमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।